हाँ जी बाबा, जो जो सोशल मीडिया पे खबर फैली हुई है कि जो आपको जितना पैसा मिला था लोगों ने, जितनी आपकी मदद करी थी, जो आपके लिए फंड रेज किया था लोगों ने, वो आपके पास ख़त्म हो गया और आपकी हालत थोड़ी दोबारा ख़राब हो गई है, तो आप लोगों को सच्चाई बताना चाहेंगे जिन लोगों ने आपकी मदद करी? हाँ जी बड़ा, बड़ी खुशी बात हमारे पास पसंद रहा है। जो जनता ने हमारी मदद की थी आज हम उसी मदद से यहाँ पर खड़े हैं, अब समझे? हाँ जी बेटा, हमने जनता की मदद से बड़ा मकान बनवा लिया, बड़ा जनता की मदद से हम दुकान चला रहे हैं ये वाली है। अब हमारी हाल खराब नहीं है, जो जनता ने पैसे दिया हम उससे सामान रखे हैं अपने लिए हैं, और आज किसी कोई साथ नहीं देगा, क्या वही पैसे हमारे साथ आएगा हैं, पर इसलिए हम सामान तो रखें। हाँ जी बाबा, और बाबा जब आपको इतने लोगों की मदद मिली थी तब आपने एक नया रेस्टोरेंट खोला था, तो वो आपने शायद बंद कर दिया, तो उसका कोई कारण बता सकते हैं आपने बंद क्यों करा है? मेरा कारण पता क्या था? मेरा कारण था कि खर्चा था 1,00,000 रुपये का, ये बताओ 35,000 रुपये रेंट है दुकान का, जो कारीगर हैं 36,000 रुपये का, 600 रोज का, ये खेल पर है 1,200 रुपये के रोज का, एक दाई है कि झाड़ू मार दिए 10,000 रोज का बनता है, हक बनता है, तो बड़ा खर्चा था 1,50,000 रुपये का एक महीने का, एक महीने का। हाँ जी, पानी की बिल है अलग, बिजली बिल अलग। हाँ जी, तो आपको फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो रहा था? हाँ, आज जो दुकानदारी है 1,000 का 1,500 रुपये का, 700-800 रुपये का, तो बोलो बोलो हम क्या करेंगे, जब महीने में हमें मिलेगा 30,000 रुपये, तो बोलो हम क्या करेंगे। अच्छा बाबा, तो अब आप कैसे, लाइक आपके बाबा के या आपके ढाबे पे कोई असर पड़ रहा है लॉकडाउन का या फिर कोरोना का, तो अब सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? अरे हमारे सब कुछ ठीक है, हमारी जनता हमारे साथ दे रही है, तो यहाँ कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, क्यों जो आते हैं बस देखते हैं बाबा के यहाँ खाए दूर खाना खाते हैं, सब मास्क लगाते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बाबा, बहुत बढ़िया।